सो ये सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को मेरा हिंदी वाला इंट्रोडक्शन ज्यादा बेहतर लगा, सो आज की वीडियो में भी मैं हिंदी में ही इंट्रोडक्शन दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल शर्मा, दुनिया मेरे को स्टफ्लिस्टिंग्स के नाम से जानती है, और आज के टेक स्टफ के एक नवीनतम अध्याय में मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों ने चाय का प्याला पकड़ लिया होगा और आज की वीडियो के लिए आप लोग तैयार होंगे, बिकॉज बहुत सारे लीक्स, बहुत सारा फन और बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेके मैं फिर से आप लोगों के पास आ चुका हूं। आज की वीडियो का लाइव टारगेट फिर से हम लेके चलते हैं 2500 का, और आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं इन्फिनिक्स के साथ। इन्फिनिक्स के कुछ नए प्रोडक्ट्स जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स के 08i स्मार्टफोन की, जो कुछ टाइम पहले वैसे बाकी कंट्रीज में लॉन्च हुआ था, और बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। फाइनली कंपनी ने खुद ही ऑफिशियली यहां पे बता दिया कि लो, इन्फिनिक्स 08i स्मार्टफोन 2 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। नॉट जस्ट द इन्फिनिक्स 08i, इसके अलावा इन्फिनिक्स के दो और प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च होने हैं 2 दिसंबर को ही। एक तो होगा एंड्रॉइड टीवी। सो अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी एंड्रॉइड टीवी लेने की सोच रहे थे, मे बी ये इन्फिनिक्स का जो टीवी है ये आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकता है। और लास्ट चीज होगी इन्फिनिक्स के सब ब्रांड स्नोकोर का एक साउंड बार। तो ये तीनों चीजें 2 दिसंबर को हमें इंडिया में देखने को मिलने वाली हैं। 2 दिसंबर की बात करें तो हिंट दे रहा हूं यहां पे, दिसंबर की बात करते हैं, और दिसंबर में फाइनली वीवो ने कंफर्म कर दिया कि वीवो का V20 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। लोगों को वैसे अभी के लिए तो जो पोल रन किया था, लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, देखते हैं टेस्टिंग के बाद पता चलेगा। बट वीवो V20 Pro स्मार्टफोन फाइनली ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि दिसंबर महीने में ही लॉन्च होने वाला है। 30,000 के अंडर इसकी प्राइसिंग होगी, अच्छा खासा स्मार्टफोन होगा। अगर मेरे पास आया तो ऑफकोर्स आपको इस स्मार्टफोन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मैं वैसे अनबॉक्सिंग में ट्राई करता हूं, आपको सारी चीजें बता दूं। ऐसी एक अच्छी सी वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। और कैसे आगे बढ़ते हैं पोको की तरफ। पोको ने फाइनली अपना पोको M3 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, अभी के लिए ग्लोबली, बट इंडिया में भी ये स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। स्पेसिफिकेशंस की मैं बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी कर चुका हूं, बार बार अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता। सेम जो लीक किया था वही है, अगर आप पुरानी वीडियोस देख लोगे आपको पता चल जाएगा पोको M3 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें तो यार पोको M3 का बेस वेरिएंट है $129, $149 और $129, मतलब अभी के लिए इनिशियल जो ब्लैक फ्राइडे सेल्स वगैरह होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा ये स्मार्टफोन $129 का। और अगर आप इसका जो बड़ा वाला वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, वो लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा $149 और $169, मतलब रेगुलर प्राइस है $169 और अभी के लिए सेल पे ये $149 में अवेलेबल है। That means, जब ये स्मार्टफोन या अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो 10,000 रुपीज के आसपास इसकी प्राइसिंग होगी, और Qualcomm Snapdragon 662 मेरे हिसाब से 10,000 की प्राइसिंग में तो जस्टिफाइड है यार। बहुत सारी अच्छी मेरे को स्पेक्स लगी इस स्मार्टफोन की, फुल HD प्लस पैनल है, साथ में आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड लेंस यहां पे होता तो चीजें बेहतर होती। 6000 mAh बैटरी, 18 watts की फास्ट चार्जिंग है, 22.5 watts का जो फास्ट चार्जर है उससे आप बाकी स्मार्टफोन चार्ज कर लो, मतलब एक्स्ट्रा यहां पे वोल्टेज भी दे रखी है। सो मेरे को तो पोको M3 स्मार्टफोन का प्राइस ठीक लगा, अच्छा लगा। और अगेन टेस्टिंग के बिना किसी स्मार्टफोन के बारे में बोलना गलत है, बट प्राइसिंग मेरे को यहां पे जस्टिफाइड लगी। बट मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अब आप लोगों की क्या राय है पोको M3 स्मार्टफोन की प्राइसिंग को लेके, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं वीवो के सब ब्रांड iQOO की तरफ। आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि iQOO का एक नया स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। iQOO 6 सीरीज तो डेफिनेटली आएगी, बट उसके अलावा iQOO का एक नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन भी हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। इसका मॉडल नंबर है वीवो V2054A। वीवो मतलब यार iQOO के जितने स्मार्टफोन, सब क्या होता है ना, सर्टिफिकेशन गवर्निंग एजेंसीज को नहीं पता कि वीवो क्या है, iQOO क्या है, उनके लिए एक वीवो चल रहा होता है। सो ये जो मॉडल नंबर है V2054A, ये TENAA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे अब सर्टिफाई हो चुका है। 4GB/6GB/8GB RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 13 megapixels का प्राइमरी कैमरा, मतलब पता नहीं क्यों थोड़ा बढ़ जाता तो बेटर होता, 8 मेगापिक्सल्स का आपको मिलेगा फ्रंट कैमरा, साथ में आपको मिलेगी 6.58 इंचेस की TFT पैनल 1080x2408 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन के साथ, साथ में 4910 mAh बैटरी है स्मार्टफोन की। सिंपली यहां पे लग रहा है कि एक एंट्री लेवल लोअर बजट वाला स्मार्टफोन है। iQOO की तरफ से हमें जल्दी ही देखने को यह स्मार्टफोन मिलने वाला है। मैं आपको स्क्रीन पे स्मार्टफोन की TENAA इमेजेस दिखा रहा हूं। और गाइस बात करें TENAA सर्टिफिकेशन की, तो ओप्पो का भी एक नया अपकमिंग एंट्री लेवल स्मार्टफोन TENAA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है। इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगी एक 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, सिंगल पंच होल यहां पे आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, 3945 mAh बैटरी है, मीडिया टेक डेमेंसिटी 720 प्रोसेसर, 16+2+2 रियर कैमरा सेटअप, 8 megapixels का आपको मिलेगा फ्रंट कैमरा, 4/6 8GB की रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, और साथ में आपको एंड्रॉइड 10 की स्मार्टफोन में सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। ये स्मार्टफोन दिखने में वैसे ओप्पो F17 प्रो स्मार्टफोन जैसा लग रहा है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द अपकमिंग ओप्पो PECM30 इसका मॉडल नंबर है, दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर स्मार्टफोन इज गोइंग टू लुक लाइक।
और गाइस ओप्पो की अगर हम बात करें तो अगर आपको याद हो वीवो ने कुछ टाइम पहले एक नया कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन दिखाया था जिसमें जो रियर पैनल था ना उसके कलर्स बदलते थे, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रंग बदलू स्मार्टफोन था। अब ऐसा ही एक स्मार्टफोन ओप्पो भी लॉन्च करने वाला है और डिजिटल चैट स्टेशन जी ने इसको कुछ टाइम पहले लीक किया था। ये रंग बदलने वाला स्मार्टफोन हमें कमर्शियली भी देखने को मिलेगा ऐसा भी सुनने में आ रहा है और स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 875 प्रोसेसर होगा। सो फ्लैगशिप लेवल ये स्मार्टफोन है और अगेन बहुत अलग सा कुछ अतरंगी सा ये स्मार्टफोन होगा, कमर्शियली भी आएगा, आई होप ये इंडिया में भी आ जाए। कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन कमेंट सेक्शन में पक्का से आप हमें बता सकते हैं। गाइस इंडिया में बहुत सारी एप्स को वैसे भारत सरकार ने कुछ टाइम पहले बैन किया था इंक्लूडिंग पबजी मोबाइल। अब पबजी मोबाइल इंडिया तो वापस आ रही है सुनने में आ रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हाईली लाइकली टू बी द केस दैट पबजी मोबाइल इंडिया विल कम बैक। बट अभी के लिए इंडिया में फिर से नई कुछ एक सेट है एप्स का जिनको बैन कर दिया गया है। ये 43 एप्स है इंक्लूडिंग अली एक्सप्रेस। मैं आपको यहां पे लिस्टिंग दिखा रहा हूं, स्टफ्लिस्टिंग्स इज शोइंग यू अ लिस्ट ऑफ 43 न्यू एप्स विच द भारत सरकार हैज बैंड नाउ। रीजन फिर से वही सेम चीज है, प्रीवेसी सिक्योरिटी डेटा ब्रीच एंड ऑल दोस थिंग्स। और मैं हमेशा से ये चीज बोलता आ रहा हूं कि यार जो मर्जी हो जाए, ऐप हो, गेम हो, जो मर्जी चीज हो, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामाउंट और प्रायोरिटी पे हमारी सिक्योरिटी और प्रीवेसी होती है। अगर इन ऐप से कोई भी खतरा है हमारी प्रीवेसी और सिक्योरिटी को लेके तो बैन हो जाना ही अच्छा है। और अगर आप इनमें से कोई भी ऐप यूज कर रहे थे, मेरी पर्सनल सजेशन ये रहेगी कि आप इनको यूज ना करें, ऑल्टरनेट आप ढूंढ सकते हैं, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात होगी। आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ। Xiaomi ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है चाइना में, 399 युआन इसकी प्राइसिंग रखी गई, दैट इज समवेयर अराउंड $60 और अराउंड 4500 रुपीस अगर ये इंडिया में लॉन्च हुआ। इसका नाम है ZDR स्मार्ट स्टीम फुटबाथ, फुटपाथ नहीं फुटबाथ, मतलब आप स्टीम से अगर अपने पैरों को नहलाना चाहते हैं तो Xiaomi ने एक बहुत ही नया लग्जरी आइटम क्राउड फंड करना शुरू कर दिया है चाइना में। क्या आप चाहेंगे कि ये फुटबाथ इंडिया में लॉन्च हो, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं OnePlus की तरफ। OnePlus 8T स्मार्टफोन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। OnePlus 8T का एक नया अपडेट अब ऑफिशियली रोल आउट होना शुरू हो चुका है, OxygenOS 11.0.5.6 इसका बिल्ड नंबर है। और इसमें आपको बैटरी इंप्रूवमेंट, कैमरा फीचर जो भी थे उनमें इंप्रूवमेंट और बहुत सारे अलग अलग बग फिक्सेस और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपने OnePlus 8T स्मार्टफोन को इस लेटेस्ट अपडेट के साथ अपडेट नहीं किया, नाउ माइट बी द बेस्ट टाइम टू डू सो। आगे बढ़ते हैं Qualcomm की तरफ। Qualcomm Snapdragon Tech Summit फाइनली अनाउंस हो चुका है ऑफिशियली, दिसंबर के पहले दो दिनों में ये समिट होने वाला है और बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडिंग सोनी, OnePlus एंड Xiaomi आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट और Qualcomm Snapdragon 875 अनवेल होगा। सो ये तीनों ब्रांड्स जो है एटलीस्ट इनकी तरफ से इनके अपकमिंग जो 875 प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन होने वाले हैं उनकी अनाउंसमेंट अब आप लेके चलो कि एक हफ्ते में हमें देखने को मिलने वाली है। कितने वैसे एक्साइटेड हो आप Qualcomm Snapdragon 875 वाले स्मार्टफोन्स को लेके, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, बट बिफोर दैट अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड वंस अगेन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टफ्लिस्टिंग्स आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन है नीचे, उसके साथ में है बेल आइकन, उसको दबाना भी मत भूलिएगा सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। वैसे आप कौन सा डिवाइस यूज करते हैं आज, आप सारे लोग अपने डिवाइसेस का नाम लिखो कमेंट सेक्शन में। देखना चाहूंगा कि स्टफ्लिस्टिंग्स आर्मी कौन कौन से स्मार्टफोन्स, फीचर फोन्स, टैबलेट, लैपटॉप्स वगैरह का यूज करती है, कमेंट सेक्शन में आपका जो डेली ड्राइवर है वो आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हो कि यार आप सर कौन सा डेली ड्राइवर यूज करते हो, आपका डेली ड्राइवर कौन सा है, ऐसा किसी ने आज तक नहीं पूछा होगा, मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाहूंगा। और गाइस बातें करते करते मैं निकल गया, बट बात यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि Realme और Xiaomi के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लीक अब बहुत भर भर के आने शुरू हो चुके हैं। Realme 8 सीरीज या Realme X60 सीरीज का एक स्मार्टफोन है जिसका मॉडल नंबर है RMX3063। अब ये 8 सीरीज का है या X60 सीरीज का है ये मैं अभी के लिए कंफर्म नहीं कर सकता, सोर्स मैं ही हूं और आपको जल्दी ही ये कंफर्म करके मैं दे दूंगा। बट अभी के लिए ये जो स्मार्टफोन है RMX3063 ये इंडोनेशिया की टेलीकॉम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है। और अगर आप स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को बहुत टाइम से ज्वाइन करके रखे हो या फिर अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूअसली यू नो वॉच करते हो तो मैं आपको ये बता चुका हूं ऑलरेडी कि यार इंडोनेशियन टेलीकॉम सर्टिफिकेशन पे कोई भी अगर स्मार्टफोन सर्टिफाई होता है तो जल्दी ही उसकी लॉन्च भी हमें देखने को मिल जाती है। सो यस, या तो Realme 8 सीरीज या Realme X60 सीरीज या फिर दोनों सीरीज हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। और गाइस वीडियो खत्म करते हैं, Realme की तो चलो बात होगी, Xiaomi की भी बात कर लेते हैं। Xiaomi के Mi 11 Pro स्मार्टफोन से खत्म करते हैं आज की न्यूज। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि Mi 11 Pro स्मार्टफोन में हमें एक AMOLED 120 Hz की
QHD Plus डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। ऐसा अभी के लिए स्पेकुलेशन वगैरह चल रही थी, बट XDA डेवलपर्स ने MIUI 11 का जो Android 11 वाला जो अभी लेटेस्ट बिल्ड आया है ना, उसको ट्रैक डाउन किया, क्रैक डाउन किया, टियर डाउन किया, उसको खोल के पर्दाफाश किया और वहां पे सोर्स कोड में साफ साफ लिखा गया है कि Xiaomi के अपकमिंग ऐसे स्मार्टफोन्स आने वाले हैं जिनमें हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, QHD प्लस रेजोल्यूशन और एमुलेट पैनल देखने को मिलने वाला है। सो यस, इन ऑल लाइक्लीहुड ये तीनों ही चीजें हमें Mi 11 Pro स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली हैं। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा कैमरा सेटअप आपको चाहिए एक स्मार्टफोन में, सिंगल कैमरा विद अ बेटर ऑप्टिमाइजेशन और मल्टीपल कैमरास। 89% लोग कह रहे हैं कि हमें एक कैमरा दो, ऑप्टिमाइज अच्छे से कर दो, हमारा उसी में काम चल जाएगा, हमें वो लड़ी नहीं चाहिए। सो यस, मैं भी आप लोगों से कहीं ना कहीं यहां पे सहमत हूं। और गाइस वीडियो खत्म करते हैं, बट उससे पहले देख लेते हैं स्टफ यू शुड नो, बिकॉज ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आता है। तनिष्य मिश्रा जी ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोगों को प्रोवाइड किया, वो कह रहे हैं आउल्स उल्लू keep little snakes as their pets. बाहर भी आ गया। Some interesting stuff that we all should know. जो भी बाहर आया उसको भी मैं बताना चाहूंगा। जो उल्लू होते हैं ना, वो छोटे सांपों को as a pet रखते हैं। Some interesting stuff that you also should know. Unknown guest. और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए, सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट स्टफ में फीचर करता रहूं। सो गाइस ये थी सुबह की टेक्स्ट स्टफ, शाम को 5 बजे फिर से मिलते हैं। जी हाँ, 5 बजे मिलते हैं, 5:50 वाली टाइमिंग हमने प्रीपोन कर दी है। सो 5 बजे या 5:50 पे जब भी आप हमारी दिन वाली शाम वाली वीडियो देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं। और गलती से मैंने दिन वाली बोल दिया, हो सकता है आपको दिन को भी एक वीडियो देखने को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन भगवान हम सब लोगों का भला करे। अमन।